भाई रास्ता तो खराब हो ही रखा है ना। ये जो रिटेनिंग वॉल है ना दोस्तों, भाई जिससे जो है मिट्टी रोकी जाती है, भाई कम से कम जो है 3 फुट थोड़ी देनी पड़ती है। आप देख रहे हैं भाई, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल डेल्टू वैली होम। आज चारों तरफ फिर से बादल ही बादल हो रखे हैं और बारिश का नामो निशान नहीं है। हो सकता है रात को बारिश भी आ जाए। अतरफ घास ही घास रखी है, यहाँ पे टाइम ही नहीं मिल रहा है इसको काटने का। तो सुबह जल्दी उठा करो 4 बजे और काम करो जैसे गांव के लोग काम करते हैं ना, ठीक है? ऐसा हंसने की जरूरत नहीं यहाँ पे। 4 बजे मैं सोती हूँ, ठीक है? अच्छा भाई, अभी तो सारी सब्जियां छोटी है ना, ये देखो ये मिली है, ये भी थोड़ी सी बड़ी है बस। गाय बारिश तो आज भी नहीं होने वाली भाई, अच्छी बात है भाई, मौसम बढ़िया हो रखा है, बारिश क्या करनी है अभी ना। यहाँ पे दोस्तों भाई एक तरफ से घास काटो ना, अब इस साइड से घास काटेंगे तब तक दूसरी साइड उगना चालू हो जाती है भाई। ये घास काटने का सिलसिला ना ये चला रहता है, पर साफ तो करना पड़ेगा ये। ये देखो भाई हमारी बीवी जी खाने की तैयारी कर रही है। मैडम क्या खिला रहे हो आप आज? रिशु उठ गया बेबी, गुड मॉर्निंग। कैसे बोलती थी? बोल पापा मैं बड़ा हो गया, मैं अपने आप उठता हूँ ना, मेरे को उठाना नहीं। ये देखो भाई रिशो हमारा बड़ा हो गया, ये देखो अपने आप उठ जाता है, अपने आप बैठ जाएगा बेबी। ये देखो उठते शरारते चालू पापा। तो मैडम कैसी लग रही है आपको पति के हाथ की चाय? पति के हाथ की नहीं, मेरे। दोस्तों दीवार खड़ी होना चालू हो गई है जैसे आप देख रहे हैं ना, ये देखिए भाई कल जो है 2 साइड पिलर डल गए हैं, तो एक उस साइड और इस साइड भी जो है पिलर डल गए हैं और एक तरफ की दीवार खड़ी होना चालू हो गई है, ये देखिए। जब दोस्तों ये पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी ना, ये बिल्कुल देखिए ना, ये जो पिलर आ रहा है ऊपर सामने तक, ये पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी, सामने से व्यू देखो कितना बढ़िया आएगा। फिर भाई कमरों के जो है दूसरी तरफ जाके आते हैं, काफी टाइम हो गया मैं उधर नहीं गया। भाई रास्ता तो खराब हो ही रखा है ना, जगह तो पत्थर पड़े हैं यहाँ पे, बस ये कुछ दिन का काम और है फिर ठीक हो जाएगा। ये देखिए जरा क्या हाल है यहाँ भी, तो सनराइज हो गया भाई अभी अभी। भाई इधर का भी बाड़ा हटा रखा है अभी ना, यहाँ भी काम चल रहा है। ये देखो भाई भाई बेल ऐसे फैल गई है ये चारों तरफ। और भाई जो नेट लगा रखा था यहाँ पे तो गिर ही गया, और बेल यहाँ से भाई ऊपर चढ़ गई है ऊपर ना, अभी छोटे छोटे गिये लगे हैं इसमें ना, और अभी तो भाई जाते हैं इसमें फूल ही आ रखे हैं। और देखिए इसमें ना छोटा जो दिख रहा है आपको, ये गिया है। ये देखिए भाई यहाँ पे ना ये फलियों की बेल लगी है यहाँ पे, भाई फलियां भी काफी बड़ी बड़ी हो गई हैं यहाँ ना, ये देखो सामने भी दोस्तों देख रहे हैं आप, भाई सामने भी लैंड स्लाइडिंग हुई है भाई, अब की बार तो वहां वहां लैंड स्लाइडिंग हुई है जहाँ कभी नहीं हुई भाई, काफी ऊपर से जो है भाई नीचे तक तो जो है भाई मलबा आया हुआ यहाँ पे ना नदी पे। और जो आप ये देख रहे हैं जो पेड़ ढके हुए हैं, ये जापानी फल सुना हुआ आपने रामफल, ये उसके पेड़ है भाई, ये पक्षियों से ना फ्रूट को बचाने के लिए इस पे जो है ये जाली ढकी हुई है। अभी जैसे जैसे दोस्तों भी सर्दियां आएंगी ना, अभी नवंबर आएगा दिसंबर आएगा, तो जितनी भी यहाँ पे पेड़ ना भी हरियाली है ना भाई सारे पेड़ जो सूख जाते हैं, मतलब कुछ पेड़ तो यहाँ पे ऐसे लगते हैं कि भाई इनमें जो है फ्रूट लगते भी हैं या बेकार हो चुके हैं, फिर जब सर्दियां बीत जाती हैं तो दोबारा जो है इनपे पत्ते आते हैं। ये जो रिटेनिंग वॉल है ना दोस्तों, भाई जिससे जो है मिट्टी रोकी जाती है,
भाई कम से कम जो है 3 फुट चौड़ी देनी पड़ती है। आप देख रहे हैं भाई कितनी मोटी वॉल है ये, मतलब ना ये वॉल दोस्तों भाई वहां से होती हुई अभी जो है भाई यहाँ से जो है ये झाड़ वगैरह काटने पड़ेंगे और यहाँ से लेकर ये जो है स्टिप तक इस कॉर्नर तक आएगी। सामने की जो भी ये झाड़ियाँ वगैरह देख रहे हैं आप ना, ये सारी सारी कट जाएंगी। ये सारी सारी जो दिख रहा है ना घास फूस और जो उगे हुए हैं ये सब कट जाएगा भाई। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पेड़ है, जो आगे के पेड़ है ना, जो हमारे कॉटेजेस के बिल्कुल फ्रंट में जो पेड़ है ना भाई, उनको पूरी बचाने की कोशिश की जा रही है। अब देख रहे हैं भाई वॉल उसके अंदर है और पेड़ जो है बाहर पर रह गए हैं, ताकि भाई कुछ खीरे जो है बड़े हो गए हैं भाई। कभी कभी तो इनका पता नहीं लगता भाई, रात रात इतने बड़े हो जाते हैं ये भाई। बंद गोभी बिल्कुल खराब हो चुकी है, देख रहे हो आप ये, इसको भाई पीछे से देखने वाला कोई था नहीं, सारी की सारी खराब हो चुकी है दोस्तों। नुकसान तो बहुत है पर यहाँ पे कई सारे लोग हैं भाई जिनका नुकसान जो है बहुत ज्यादा हुआ है। यहाँ पे कुछ नॉन में है भाई, कमल जो था हमारे साथ आपको पता होगा, तो इसने यहाँ पे जो है मेरे साथ काम में हेल्प करवाई थी। कमल का जो है ना खुद का घर टूट गया है भाई, उसके घर के लेंटर में दरार आ गई है। मतलब उसके पास जो है रोड लगता था उसके घर के साथ, वो रोड 4 फुट बैठा और सोचिए आप घर का क्या हाल हुआ होगा। ऊपर से लेंटर क्रैक हो चुका है, अंदर की दीवारें टूट चुकी हैं। तो अभी जो है भाई वो ना किराए पे रह रहा है, अभी रेंट पे रह रहा है। तो देख रहे हैं मतलब भाई इतने बुरे हाल हुए हैं यहाँ पे हिमाचल में। मैं दोस्तों आज न्यूज़ देख रहा था भाई, हर जगह से हर जगह रोड टूटे हुए हैं भाई। मैं देख रहा था कि शिमला जाने का जो रास्ता है भाई, चंडीगढ़ से शिमला जाने का रास्ता जो हाईवे है वो भी टूटा हुआ है। तो भाई हर जगह जो है अभी रिपेयर का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं मंडी से लेके कुल्लू तक का रोड, कुल्लू से लेके मनाली तक का रोड, भाई हर जगह जो है अभी काम चला हुआ है। जल्द ही दोस्तों भाई सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी, और जैसे जैसे दोस्तों भाई रोडों का काम कंप्लीट होगा तो हमारा जो ये होम स्टे भी ये भी चालू हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल डेल्टू वैली होम। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।